तो सबसे पहले आपको क्या करना है, mongodb.com पर विजिट करना है और यहाँ से आपको जो है साइन अप होना है। अगर आप ऑलरेडी जो है यूजर है यानी आपने साइन अप कर रखा है तो आपको जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से क्लस्टर पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। मेक श्योर आप जो है क्लस्टर भी क्रिएट करें, वरना आप क्या कर सकते हैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको साइन अप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, गूगल या फिर गिटहब से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन है तो मुझे ऑटोमेटिकली जो है ये रिडायरेक्ट करेगा क्लस्टर पर। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, दो दो ऑन है ना मेरे पास ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको करना है ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं एक और डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेक श्योर आप क्लस्टर क्रिएट करें, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे या फिर आप जो है गूगल से भी देख सकते हैं रेफरेंस। मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक और डेटाबेस क्रिएट करूंगा, देखिए क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का नाम आप रख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं इसका नाम रख देता हूँ डॉक ऐप। डॉक ऐप तो ऑलरेडी क्रिएट है, मैं इसका नाम दूसरा रख देता हूँ जैसे कि डॉक्टर ऐप, और इसके अंदर एक यूजर के नाम से मैं कलेक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और साथ ही में एक कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन ज़रूरी है। अगर कलेक्शन क्रिएट नहीं होगा तो फिर डेटाबेस भी आपका क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ हमारे डेटाबेस में, ये रहा हमारा डॉक्टर ऐप, इसके अंदर हमारे पास एक यूज़र का कलेक्शन है जो कि एम्प्टी है फिलहाल, कुछ भी इसके अंदर हमने यूज़र को ऐड नहीं किया है क्योंकि हम इसको जो है हमारे नोड सर्वर की मदद से जो है इसके अंदर डेटा को फिल करेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस डेटाबेस को एक्सेस करना है आपके एप्लीकेशन में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आप ओवरव्यू पर क्लिक करिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं कहीं आपका ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कनेक्ट वीएस कोड या फिर यूजिंग मोंगो डीबी कॉम्पस। मेक श्योर आप जो है मोंगो डीबी कॉम्पस को इंस्टॉल कर लें तो बार बार आपको जो है इसकी वेबसाइट पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इस क्लस्टर की मदद से जो है मोंगो डीबी कॉम्पस एप्लीकेशन में ही जो है लॉग इन हो सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली हमको कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है कॉपी करना है। इसको आप कॉपी कर लेंगे और आपको जाना है डॉट ई एन वी फाइल और इसके अंदर एक और वेरिएबल बना देंगे हम मोंगो डी बी अंडरस्कोर यू आर एल और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। लास्ट में ये टेस्ट है तो इसको हम कर देंगे डॉक्टर ऐप, जो भी आपके डेटाबेस का नाम है तो आप यहाँ पर ऐड कर दें, और यहाँ पर जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है यानी यूजर नेम और पासवर्ड है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है आप वो यहाँ पर ऐड कर दें, मेरा जो रहेगा मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और इसके बाद में आप इसको सेव कर लें और इसी को आप क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं और आपको ओपन करना है मोंगो डीबी कॉम्पस और उसके अंदर हम क्या करेंगे इसको जो है ओपन कर लेंगे। तो जो भी क्लाउड डेटाबेस में रहेंगे ना डिटेल्स तो वो यहाँ पर शो करेगा, देखिए यहाँ पर मोंगो डीबी कॉम्पस ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर उस स्ट्रिंग को पेस्ट कर देना है और कनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है, तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्शन सक्सेसफुल, और इसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर ऐप जिसके अंदर एक यूजर का कलेक्शन है जो कि एम्प्टी है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर मोंगो डीबी कॉम्पस में ये कनेक्ट हो चुका है। अब बार बार आपको क्या है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है मोंगो डीबी कॉम्पस में से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है लॉग आउट भी हो सकते हैं, तो यहाँ से हम जो है लॉग आउट भी हो चुके हैं, इसको कट कर लेते हैं, ये रही हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर कॉन्फिग के अंदर हम क्या करेंगे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं db.js, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फिगरेशन हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है मोंगूस को इंपोर्ट करना है, कॉन्फ मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मोंगूस, और कलर्स पैकेज को भी इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्फ कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स, और उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ कनेक्ट db इक्वल टू एरो फंक्शन, और इस फंक्शन को हम एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं और कैच में जो भी एरर रहेगा हम यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे टेम्पलेट लिटरल में ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर मोंगो डीबी लिख देते हैं, पहले मोंगो डीबी सर्वर इशू, और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे एरर, और इसके बाद में bg हम क्या करेंगे इसको रेड कर देंगे और इसमें का टेक्स्ट जो रहेगा ना टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। अब ट्राई के अंदर आपको क्या करना है डायरेक्टली आप अवेट कर सकते हैं, अवेट किस चीज़ का करेंगे हम मोंगूस की मदद से जो है मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तो मोंगूस डॉट कनेक्ट, कनेक्ट में हमारे पास जो है डॉट env के अंदर जो है वेरिएबल है तो उसको हमको कॉल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो
_URL। मेक श्योर आप .env फाइल में इसको एक बार जरूर चेक करें। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है MongoDB URL, तो मैं इसको जो है मोंगो कर देता हूँ, खाली Mongo_URL। और db.js की फाइल में भी हमने Mongo_URL यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस, या फिर मोंगो डेटाबेस करता हूँ मैं, MongoDB connected। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोंगूस की मदद से जो है होस्ट भी चेक कर लेंगे। सो mongoose.connection.host, तो लोकल होस्ट यूज हो रहा है या फिर सर्वर, तो वो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख लेंगे pg, इसको कर देते हैं हम ग्रीन कर देंगे, और जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको व्हाइट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे नीचे, module.export=, और इस फंक्शन को हमको एक्सपोर्ट कर देना है। सो connectDB, इसको इम्पोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब इसको हमको server.js की फाइल में कॉल कर देना है। तो चलते हैं server.js की फाइल में, और यहाँ पर .env के बाद में हम इसको कॉन्फिगर कर देंगे। सो यहाँ पर MongoDB कनेक्शन कर देते हैं इसका नाम, तो कमेंट में मैंने कर दिया MongoDB कनेक्शन। और यहाँ पर सिंपली आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ connectDB, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, फाइल भी ऑटो इम्पोर्ट हो जाएंगी। और इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर देना है, सेव। और अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और सिर्फ सर्वर को रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run server, एंटर। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे पास जो है हमको कंसोल में मैसेज मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर MongoDB कनेक्टेड, और यहाँ पर क्लाउड यूज कर रहे हैं तो क्लाउड का एड्रेस हमारे पास आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब हमको यूजर के लिए स्कीमा क्रिएट करना है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर का जो है REST API क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए इसको जो है क्लोज कर देंगे और यहाँ से किल कर देते हैं। इसके बाद में आपको जो है मॉडल्स के अंदर जाना है, तो मॉडल्स का फोल्डर, इसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट रहेगा यूजर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे usermodels.js, और इसके अंदर हमको स्कीमा को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे const mongoose =require of mongoose, और mongoose की मदद से हम स्कीमा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, const यूजर स्कीमा =new mongoose.schema, और साथ ही में इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, const यूजर मॉडल =mongoose.model, और इसके अंदर कलेक्शन का नाम जो कि है यूजर्स, और उसके बाद में रेफरेंस जो कि ये रहेगा यूजर स्कीमा टाइप। तो ये रेफरेंस आपको पास करा देना है, और नीचे हम इसको जो है एक्सपोर्ट भी करा देंगे ताकि इसको हम कंट्रोलर फाइल के अंदर जो है यूज कर पाएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे module.export =user model, और इस स्कीमा में हम सबसे पहले नेम को एक्सपेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर नेम इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको कर देंगे ट्रू, और साथ ही में एक वैलिडेशन मैसेज भी हम ऐड कर देंगे, नेम इज रिक्वायर। इसके बाद में हमारे पास है ईमेल, ईमेल का भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, इसको भी कर देंगे हम रिक्वायर में ट्रू। तो एरे यहाँ पर हम ले रहे हैं जिसके अंदर हमने पहला आर्ग्यूमेंट जो है ट्रू का पास किया, उसके बाद में वैलिडेशन मैसेज ईमेल इज रिक्वायर, और थर्ड वन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको भी रिक्वायर कर देंगे हम ट्रू, और वैलिडेशन मैसेज पासवर्ड इज रिक्वायर, और इस पासवर्ड को हमको हैश भी करना है ताकि सिक्योर रहे हमारा पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, bcrypt.js की मदद से इसको जो है इनक्रिप्ट कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो फिर उसको जो है डिक्रिप्ट करा देंगे। और साथ ही में जब यूजर लॉग इन हो तब हम क्या करेंगे, एक टोकन भी जनरेट कर देंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है और सिक्योर हो। तो यहाँ पर मॉडल तो हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हमको जो है राउट्स पर काम करना है। तो राउट्स की फाइल में हम क्या करेंगे, एक न्यू यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे यूजर के लिए, तो यूजर routes.js, और एक कंट्रोलर की फाइल भी हम क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पर यूजर CTRL कर देता हूँ मैं इसको, usercrl.js, और यहाँ पे दो फंक्शंस हम टेम्पररी जो है क्रिएट करके रखेंगे, बाद में इसके अंदर कंप्लीट हम जो है कोड लिखेंगे, फिलहाल एरो फंक्शन बना के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है const, फर्स्ट रहेगा लॉगिन के लिए, तो लॉगिन कंट्रोलर, ये रहेगा एरो फंक्शन,
इसी तरीके से जो है रजिस्टर के लिए भी बना लेंगे, कॉन्स्ट रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर दोनों ही फंक्शन को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, लॉगिन कंट्रोलर और रजिस्टर कंट्रोलर, जो दो अभी फंक्शन हमने बनाए हैं तो इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको, और यूजर राउट में जो है दो न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे। तो एक्सप्रेस को आपको सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, और यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ। तो इस वेरिएबल के अंदर जो है राउटिंग की सारी फंक्शनैलिटी जो है ऐड हो जाएंगी, जिसकी मदद से हम राउट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और इसके अंदर आप जो है राउट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो राउट फर्स्ट वाला लॉगिन के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ लॉगिन, और मेथड इसका रहेगा पोस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और सबसे पहले रहेगा यूआरएल पैटर्न, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, उसके बाद में कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हमारे पास है लॉगिन कंट्रोलर, तो यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी, आपके केस में नहीं होती है तो आप मैन्युअली यहाँ पर इसको इंपोर्ट करें। इसी तरीके से हमारे पास है सेकेंड रजिस्टर के लिए, तो यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, और ये भी पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, यूआरएल पैटर्न रहेगा रजिस्टर, उसके बाद में फंक्शन का नाम जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे दोनों ही फंक्शन हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारे राउट्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। इसके बाद में आपको जो है सर्वर डॉट जी एस की फाइल को ओपन करना है, और यहाँ पे ये जो राउट्स है ना अब इसको हम कट कर देंगे, ये सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हमने ऐड किया था, इसके बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर मेन राउट जो है ऐड कर देंगे यूजर का। कैसे करेंगे देखिए, ऐप डॉट यूज ऑफ, ये रहेगा हमारा URL पैटर्न, जिसमें रहेगा API/API का वर्जन जो कि V1 रहेगा, उसके बाद में रहेगा यूज़र, उसके बाद में क्या करेंगे हम हमारे जो यूज़र राउट की फाइल है ना उसको यहाँ पर रिक्वायर कर देंगे। सो रिक्वायर यहाँ पे आपको पाथ देना है डॉट स्लैश, राउट्स का फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास है यूज़र राउट। तो अब हमारा जो URL बनेगा ना तो ये स्टार्ट होगा /API/V1/user, और उसके बाद में यहाँ पर /login या फिर /register, तो इतना बड़ा हमारा URL एंड पॉइंट रहेगा। अब हमको जो है यहाँ पर इस कंट्रोलर की फाइल में जो है काम करना है,